Shifting focus, there is some more breaking news that is coming in. This is in connection with a train derailment that's taking place in Jharkhand. The Howrah Mumbai passenger express has derailed. We're learning that 2 have been killed, 100 have been injured in this derailment. You can see the aftermath of the derailment on your screens at this point, where passengers and locals seem to be surrounding the train that has derailed. Once again, this is the Howrah Mumbai passenger express which has derailed. At this point, what we know about the Jharkhand train derailment is that 2 have been killed while 100 have been injured in this derailment. How many more train accidents will it take for the Modi government to wake up from its slumber? People are suffering. People are being put through hardship and misery while the Modi government continues to escape accountability and responsibility on rail safety. We have a part-time rail minister. Ashwini Vaishnav is too busy looking after the BJP's political and election management in assembly poll-bound states to bother too much with the railway ministry. It is shocking that regular accidents are taking place. We're crossing over to my colleague Sohan to get us more details at this point. Sohan ji, aap rescue operations ke bare mein bata sakte hain? देखिए, ट्रेन हादसे में जितने लोग घायल थे तो उनको अब यहाँ स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और घटना के बाद वहाँ 3 जिलों के पुलिस, वहाँ के लोकल ऑफिसर, रेलवे के टॉप ऑफिसर वहाँ पर पहुंच गए थे, और राहत जो बचाव कार्य उसको युद्ध स्तर पर जारी किया गया था। रांची से भी स्पेशल ट्रेन और रिलीफ मेडिकल ट्रेन को भी यहाँ से भेजा गया है। और जो हादसा हुआ, उस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और झारखंड के सरायकेला में यह घटना हुई है। और घटना के समय बताया जा रहा है कि सभी यात्री सो रहे थे तो अचानक ये घटना हुई है। हालांकि अभी रेलवे के स्तर से भी नहीं बताया गया है घटना की वजह क्या है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अप लाइन पर हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन जा रही थी और डाउन लाइन पर मालगाड़ी की जो डिरेल होगी जो अप लाइन पर गिर गई थी, और जब हावड़ा मुंबई ट्रेन अपलाइन पर जा रही थी तो डिरेल हुई, बोगी से टकरा गई थी। टकराने के बाद ये घटना हुई है और हावड़ा मुंबई की 18 बोगी डिरेल हुई है और लगभग इसमें कई लोग घायल हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी सामने नहीं आया है कितने लोग घायल हैं, लेकिन वहां पर मेडिकल टीम को भी वहां पर भेजा गया है, और जो लोकल अस्पताल है जमशेदपुर सरायकेला वहां उनको भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की मौत हुई है और उनकी भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये दोनों कौन, इनका नाम क्या है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और अब रेलवे का फोकस है कि उस रूट को परिचालन के लिए शुरू किया जाए, तो इसके लिए रांची से स्पेशल ट्रेन यहां से भेजा गया है। और जो अधिकारी लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं, रेलवे के लगातार जो ऑफिसर हैं, टॉप ऑफिसर हैं, वहां लोकल जो पुलिस है वहां पर मौजूद है, और घटना में जितने लोग भी घायल हैं सभी को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है।